आज हम तेलंगाना स्टेट का वेटनरी कॉलेज टोटल किए हैं, बात करेंगे कॉलेज का क्या टर्म एंड कंडीशन है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे तेलंगाना पे फोकस करना है आपको, ठीक है। थोड़ी सी नीचे करूँ ताकि हम सीट मैट्रिक्स बता सकें। ओके, आपको तेलंगाना पे स्टेट पे फोकस करना है, ठीक है, अदर स्टेट वाली को फोकस नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ बातें हम चल रही है कि तेलंगाना का, ये तेलंगाना है स्टेट है, इसमें देखो तेलंगाना का जो स्टेट है यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम दे रखा है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, पीवी नरसिम्हा राव तेलंगाना वेटनरी यूनिवर्सिटी हैदराबाद। ओके, इसमें दो कॉलेज आते हैं, कॉलेज नाम यहाँ पे दे रखे हैं, फर्स्ट कॉलेज दूसरी कॉलेज, ठीक है। फर्स्ट कॉलेज है कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस हैदराबाद में, ओके, एंड दूसरा है कोरुटला में, ठीक है। तो टोटल सीट मैट्रिक्स देखें तो 86 कॉमन है, 15% ये 15% जो है 15% ऑल इंडिया कोटा जो BCI के थ्रू आएंगे, यदि आप नीट एग्ज़ाम दिए होंगे, क्या दिए होंगे, नीट एग्ज़ाम। तो नीट एग्ज़ाम जो देते हैं वो ऑल इंडिया BCI कोटा के थ्रू एडमिशन पाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए नीट एग्ज़ाम, ठीक है, तेलंगाना और 85% जो बच गया वो तेलंगाना खुद अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, ठीक है। 85% सिर्फ वो जो 85% जो सीट होती है सिर्फ तेलंगाना स्टेट वालों के लिए ही होती है, वो जो खुद तेलंगाना स्टेट अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। इसका एडमिशन प्रोसेस देखेंगे बाद में, बट अभी देख लें 85% जो है 85% तेलंगाना स्टेट वाले खुद कंडक्ट करते हैं एग्जाम, ठीक है। लेकिन हम 15% किसके थ्रू जा सकते हैं, नीट के स्कोर के बेसिस पे कहाँ पे अप्लाई करेंगे, BCI में, ठीक है। यहाँ पे काउंसलिंग अप्लाई करेंगे तो ये ऑल इंडिया के थ्रू आपका अच्छा रैंक होगा, कट ऑफ क्या बात करेंगे इसके अभी। चलिए इसमें 14 सीट कॉमन है, इसमें UR कैटेगरी के लिए अब इसको हमको थोड़ा स्क्रेच करना होगा ताकि माइंड क्लियर कट दिमाग में आए, ठीक है। अब देखें UR कैटेगरी के लिए, देखें कैटेगरी, ठीक है, UR कैटेगरी के लिए हमारा हैदराबाद में जो कॉलेज है 6 है और UR कैटेगरी इसमें 5 है, और UR PWDS के लिए 1 सीट है, EWS के लिए 1 सीट, इसमें 2 सीट हैं, जनरल के लिए EWS PWD के लिए कोई सीट नहीं है, OBC के लिए 2 सीट हैं, इसमें 4 सीट हैं, हैदराबाद में OBC के लिए 2 सीट हैं और कोरुटला में 4 सीट हैं, SC के लिए हैदराबाद में 2 सीट हैं और इसमें जी 1 सीट है, बल्कि ST के लिए 1 सीट दोनों में, ठीक है। तो इसलिए सीट मैट्रिक्स थे दोनों कॉलेज के, ठीक है। चलिए अब यूनिवर्सिटी में जाके इसका चेक करते हैं क्या टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, वो कहाँ से पता चलेगा, यूनिवर्सिटी से, जिसका यूनिवर्सिटी क्या था ये चलिए गूगल पर सर्च करके बताते हैं, पता करते हैं। देखिए अब जैसे गूगल पर सर्च करेंगे, ठीक है ना, गूगल पर सर्च किए किया ना, तो गूगल पर जैसे सर्च करेंगे तो उसका लोगो आएगा पहले, देन आपका ये जो वेबसाइट है इस यूनिवर्सिटी का ये है, ठीक है, TSUV.NEET.IN, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है। तो उस पर क्या करना है, जस्ट टच करना है यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज, ठीक है। देना पे देखिए कॉलेज का कैंपस PVT तेलंगाना वेटनरी कॉलेज हैदराबाद दिख रहा है, दिखा ये यूनिवर्सिटी का पिक्चर, ठीक है। तो ये आपका वेबसाइट का आएंगे तो पता चलेगा, आप यदि मोबाइल से देख रहे हैं तो आप डेस्कटॉप साइट पे देखेंगे, ठीक है, मेरा ऑलरेडी डेस्कटॉप साइट है, क्या होता है डेस्कटॉप साइट ये, ठीक है ना। यदि कोई ये सब काम नहीं करते तो क्या करना, कोई 3 डॉट दिखाई दे रहा है, दे रहा है, इस पर क्लिक करना है, क्लिक किया, हाँ क्लिक किया, तो आपको वहाँ पे देखिए नीचे आपको देखेगा डिस्टॉक, तो इस पर टिक होना चाहिए, देखो मेरा ऑलरेडी टिक है, ठीक है। चलिए इस मोड पे देखना है, देन आपको आना है यहाँ पे, बहुत सारा फंक्शन मिल जाता है अबाउट, यहाँ पे सारे बहुत सारे हैं, ठीक है। आपको फैकल्टी आपको जाना है होम पेज पे, तो क्या करना है, बस उस पर टच करना है होम, ठीक है, ठीक है। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, तो कुछ आपका इन्फॉर्मेशन आ रहा है, देखिए इस पर, अरे नहीं, थोड़ा सा नोटिफिकेशन ऊपर हो गया, आने दो, स्क्रॉल होने दो, कहाँ फोकस करना है, ये जगह, ठीक है, कुछ आ रहे हैं, तो किस पे क्लिक करना है, फर्स्ट वाले इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन, ठीक है, उस पे क्लिक करना है, मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं नहीं करूँगा, तो डायरेक्ट मैं वहीं पे ले जाता हूँ, ठीक है, मैं डाउनलोड में जाता हूँ और ये पेज मेरा ये है, ठीक है, आ गया, आया नहीं, पेज आया कि नहीं, प्रोग्राम एडिग्रेट हो AGDT, ये क्या चीज़ें हैं बाद में पता चलेगी अभी, ठीक है। अभी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, क्या हो चुकी है, ठीक है, स्टेट वालों के लिए है, हम लोग ने BCI के थ्रू नहीं, मतलब ऑल इंडिया के थ्रू वाला नहीं है, वो सिर्फ स्टेट वालों के लिए जो तेलंगाना स्टेट में बिलोंग करते हैं, वो सिर्फ उस उसी के लिए है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, हम लोग इस यूनिवर्सिटी का लोगो मतलब सेकेंड वाले पे हैं, है ना, इस वाले। चलिए और हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पता चलेगा क्या है सब चीज़ें, तो वहाँ पे आइए, डिग्री कोर्स है, यूनिवर्सिटी है ना, तो यूनिवर्सिटी बहुत सारे टाइप का कोर्स कराता है, जैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में एडमिशन हो सकता है, कम्युनिटी साइंस में भी एडमिशन हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस में लेना चाहते हैं। देखिए हम लोग किस में जा रहे हैं, ये BBSC एनिमल साइंस, मतलब बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, इस पर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। और भी कोर्स ऑफर कर रहे हैं, अब अदर वाले पे जाते हैं, देखना चाहते हैं हॉर्टिकल्चर में जाना चाहते हैं, आप ये जो भी अदर कोर्स है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कॉलेज दो हमारा कोरुटला वाला और ए हैदराबाद वाला, देख रहे हो,
ये चीज़ें देख रहे हो, यही दो कॉलेज बीसीआई के थ्रू होगा, ऑल इंडिया के थ्रू यही दो कॉलेज में, कोटला में और हैदराबाद में, ठीक है। ये कॉलेज यहाँ मेंशन नहीं है बीसीआई, तो इसमें बीसीआई में के थ्रू इसमें एडमिशन नहीं होगा, किसमें, ए वाली थर्ड वाले, ठीक है। और बाकी आप अदर डिग्री का कोर्स करते हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग आ गया हमारा ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, ठीक है। पहले आप देखिए, पास 2 ईयर जो होता है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, 11th 12th, ठीक है, जो कि एक बोर्ड इंटरमीडिएट एजुकेशन के द्वारा होना चाहिए तेलंगाना स्टेट से, जो भी तेलंगाना स्टेट में 12th बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करती है उससे बोर्ड से होना चाहिए। अभी अदर एग्जामिनेशन जो रिकोगनाइज है, जैसे अदर स्टेट वाले हैं तो कोई अदर भी स्टेट वाले हो, लेकिन एक रिकोगनाइज बोर्ड वाला वैल्यू वाला, मतलब आपका कॉलेज का रियल में, हाँ ऐसा नहीं है ना जिस कॉलेज से किया किसका कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसे नहीं है, रिकोगनाइज बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। 12th वाली फिजिकल साइंस हो या फिर बायोलॉजिकल साइंस हो, बायोलॉजी वाले हैं चाहे फिजिक्स, जो भी एक कैंडिडेट एडमिशन अंडर है, आप देखिए किसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी हैं, बीबीएससी या डिग्री प्रोग्राम मस्ट बी द पास इन ईच सब्जेक्ट, आप यदि जनरल कैटेगरी हैं तो हर एक सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, ईच सब्जेक्ट, ध्यान रखना ईच क्या है, ईच देखो ईच है, ध्यान गौर से करो, ईच सब्जेक्ट में जनरल कैटेगरी वाले पास होना चाहिए ईच सब्जेक्ट में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, बायोलॉजी हो, या फिर ऑप्टेन 50% होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, 50% होना चाहिए। और एस सी एस डी के लिए, पी एच डी फिजिकल हैंडीकैप्ट के लिए 47.5% आना चाहिए, ठीक है, ठीक बात समझ आई कि नहीं, स्क्रॉल्स ध्यान देना है, 12th में आना चाहिए सब, 50% किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, और एस सी एस डी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 47.5% होना चाहिए, ठीक है, आउट ऑफ जितना भी है आपका स्कोर। नेक्स्ट देखिए, इसमें एडमिशन के लिए क्या कैटेगरी है, सिलेक्शन एडमिशन के लिए क्या कैटेगरी है, पहले 12th वाला देख लिए, 12th पास होना चाहिए और रिकोगनाइज बोर्ड होना चाहिए, देन कि आपका जो सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश, बायो में बायो वाला ध्यान दें, बायो यदि आप इसमें लेना चाहते हैं बी बी एस सी एंड एनिमल हस्बेंड्री में, तो इसमें बायो क्या बोलते हैं, बायो वाली, बायो नेसेसरी बन जाती है, ठीक है, मैथ वाले हो जाते हैं एग्रीकल्चर वाले, ठीक है ना, या अदर कोई कुछ कोर्स अप्लाई हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखिए यदि आप वेटनरी में आना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी होना ही चाहिए, और इंग्लिश क्यों, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई इंग्लिश होगी इस तेलंगाना में, तो इंग्लिश होना ही चाहिए, हिंदी में नहीं, ठीक है, तो यही सब कम्बिनेशन होना चाहिए, ध्यान रखें इंग्लिश होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, लोग लोचा खाते हैं बायोलॉजी में और इंग्लिश में, तो इंग्लिश मीडियम में से होना चाहिए आपका, इंग्लिश मीडियम से 12th होना चाहिए, ठीक है। देन आपका देखिए सिलेक्शन का मोड दो तरीके है, पहला कि ये तेलंगाना खुद अपना एग्जाम कंडक्ट करते हैं, इसका नाम है EAMCET 2000, मतलब ये एग्जाम कंडक्ट करते हैं EAMCET, ये एग्जाम दो जो कौन दे सकता है, सिर्फ तेलंगाना स्टेट वाले, अदर स्टेट वाले नहीं दे सकते इसको, ठीक है, तो इसी में 85% जो सीट बच गई थी ना, यही एग्ज़ाम होगा, इसमें जो स्कोर कोड आएगा ये 85% जो सीट बचा था उसमें एडमिशन होगा 85%, ठीक है, बात समझ गया नहीं, इसी के थ्रू जाएगा, ठीक है, और 15% जो सीट बच गया किसके द्वारा, नीट जो देंगे VCI के थ्रू, बात समझ की नहीं, बातें समझ में आई कि नहीं, भेजा में उतरा कि नहीं, चलिए देन अदर मेन चीज़ें आया था एज लिमिट, लोगों को पता ही नहीं चला, इसमें चाहते हैं बीबीएससी एनिमल हस्बेंड्री में आना चाहते हैं तो मिनिमम 17 साल और मैक्सिमम अपर लिमिट 25 साल, बट इन केस ऑफ 30 साल यदि OBC कैटेगरी हैं, BC SC कैटेगरी हैं, ST कैटेगरी हैं, ठीक है ना, इसके लिए 5 साल रिलैक्सेशन होता है, 25 साल तो जनरल कैटेगरी के लिए हो गया, और सारे जितना भी रिजर्वेशन रिजर्व कैटेगरी हैं वो 30 साल के लिए, 30 साल के लिए फैल एज लिमिट है, ठीक है, चाहे SC अभी EWS कैटेगरी नहीं दिखाया भाई, EWS भी रिजर्व कैटेगरी आता है ना, तो उसमें भी 30 साल ही मान लो, है ना। कैंडिडेट यदि आप इसका अलग कंडीशन है, यदि आप हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इसमें जाना चाहते हैं तो इसका एज लिमिट अलग अलग है, ठीक है, आप देख सकते हैं, हम इसके बारे में डिटेल नहीं कर रहे बातें, बट हाँ ये चीज़ आपको समझाना चाहिए। देन आपको कहाँ जाना चाहिए, देन चीज़ें हटाओ, फॉर्म हटाओ हटाओ, ये सर बहुत सारे, इसमें बहुत सारा ना टाइप का होता है कोर्स, तो हर एक कोर्स का देखो, आप देखो तो बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर, ठीक है, पहुँच गए फीस स्ट्रक्चर के बारे में, मेन मेन पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे फीस स्ट्रक्चर में कौन सा जा रहे हैं, BBSC या एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की बात नहीं करेंगे हम, ठीक है, किसी बारे में एग्रीकल्चर और ये सब कम्युनिटी हम लोग इसमें आ रहे हैं तो इस पर बात करेंगे, ठीक है, इसमें हॉर्टिकल्चर का अलग भी है, BBSC के लिए अलग पार्ट है, एग्रीकल्चर का अलग, कम्युनिटी साइंस का अलग है, ठीक है, बट आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, ठीक है, तो याद रखिए कि BBSC एनिमल साइंस के लिए टोटल फी कितना पड़ेगा पर एनुअल पर साल, ठीक है, 57,500, मतलब 57,000 57,500 है, 1500, ठीक है, इतना पड़ेगा पर एनुअल, एनुअल फी पड़ेगा, ठीक है, अब देखिए कैसे लगा इसमें, ट्यूशन फी 11,000 लगेंगे, 11,333 11,330 रुपीज़, ठीक है, एनुअल NM पर ईयर लगेंगे, ठीक है, देन अदर स्पेशल कोई चार्ज लगाता है कॉलेज जो लगेगा 20,000 पर साल, और लाइब्रेरी डिपॉजिट या लैब डिपॉजिट या फिर हॉस्टल डिपॉजिट जो रिफंडेबल होता है, आप मिस डिपॉजिट ये ले लेंगे पैसा, बट जब एग्जाम आपका मतलब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा, या फिर कहीं मैथ्स में ही काट लिया जाएगा, हॉस्टल चार्ज में ही काट लिया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें जो होता है आपका सिक्योरिटी पेज होता है। अच्छा देन हॉस्टल स्टेबलाइज चार्ज, हॉस्टल के लिए यदि हॉस्टल चार्ज भी लगता है, ठीक है ना, और रूम लैंड
मेंटेनेंस के लिए इतना लगता है पर मंथ लगता है, 900 पर मंथ लगेगा, ध्यान रखें पर ईयर नहीं है, 900 पर मंथ लगेंगे ठीक है। हॉस्टल स्टेबलाइजमेंट चार्ज होता है भाई, हॉस्टल में जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज लगता है ना, इलेक्ट्रिक फ्री में बिजली थोड़ी जलाओगे यार, ठीक है ना, इसका चार्ज अलग है। फिर रूम रेंट का अलग चार्ज है, हॉस्टल रूम रेंट 3540 रुपये पर ईयर। अच्छा पर ईयर हॉस्टल रूम ठीक है ना, पर ईयर, पर मंथ नहीं है, अरे पर मंथ समझ रहे हो ना, पर ईयर कंफ्यूज मत कर लेना, ये पर मंथ है, 900 लगेंगे पर मंथ जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज लगेगा, रूम रेंट जो लगेंगे 3100 लगेंगे, 40 रुपया पर ईयर। ध्यान रखें BBSC कोर्स की बात की हम, ध्यान रखें BBSC कोर्स के बारे में, अगर टोटल 58,000 मान लो भाई, 58,000 ठीक है, कितने 58,000, ये सारी चीज़ें देख लिए। और बाकी हमारे ये सब अलग चीज़ें के लिए है, बाकी हम कॉलेज थोड़ा कैंपस देख लेंगे लास्ट में दे रखी है। ये देखो जो बोलते हैं PV, जो बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में PG जो भी है, इसका नाम है प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, देख रहे हो इमेजिंग है ना, माइंड ब्लोइंग है ना, थोड़ा सा स्क्रीन शॉट बनता है बस बाद में देखेंगे अभी, ये तो देख ही लिए थे फ्रंट पेज में, ये हमारा कुछ ऐसा फैसिलिटीज देखने को मिलेगा है ना, कितना अच्छा है, माइंड ब्लोइंग है, माइंड अट्रैक्टिंग, माइंड टचिंग। जैसे आप पेज पे आएंगे फ्रंट पेज पे ठीक है, और आप थोड़ा गैलरी फोटो देखना चाहते हैं तो उस पर बस टच करना है आपको है ना, टच करना है आपको तो आपको फिर गैलरी पेज खुलेगा। देखिए क्या फंक्शन हुआ है, क्या चीज़ें हुई है, ये चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी है ठीक है, देख लिए, और है क्या पेज और भी है ठीक है, ये हमारा बाकी वीडियो है, वीडियो नहीं देख सकते हैं ठीक है, बाकी सब आगे बात है, वीडियो तो देख लेंगे बट क्या पता है क्या होगा, मुझे वीडियो क्लाइम आ जाएगा कि मैंने किसी और वीडियो का चोरी की है ठीक है, इसलिए वीडियो उसका नहीं देख सकते हैं, बात की आप देख सकते हैं ऑफिसली बाद में ठीक है। ठीक है इसी के साथ थैंक यू कि आपने पूरी केयरफुली के साथ मैंने ये चीज़ें बता पाया और केयरफुली आप समझ लिए ठीक है, थैंक यू। क्या मैंने सारी चीज़ें कॉल कर पाया कि नहीं, कोई चीज़ बात लगी, कटअप मार्क्स लग गया, अप्रोक्स समझ आओ भाई, इतना रैंक है नीट में 7000 के अप्रोक्स OBC कैटेगरी के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए 55 की हैं तो कोई कॉलेज मिलेगा, SC/ST कैटेगरी के लिए 1 लाख लगभग, ST/ST के लिए ठीक है 1 लाख हैं तो आप इस कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं ठीक है, थैंक यू। अब ये बातें समाप्त होती है, बाकी हम सब वीडियो में कवर कर ही चुका, जो जो चीज़ें करनी थी कि आप पहला कि एडमिशन कैसे होगा, क्रिटेरिया क्या, एडमिशन का क्या एग्ज़ाम देना होगा, कैसे काउंसलिंग मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया देख लिया, एज क्या लिमिट था, फीस स्ट्रक्चर देख लिया, कॉलेज का थोड़ा सा पिक्चर देख लिया, फैसिलिटीज़ जो जो होना चाहिए वो तो होगा ही, बाकी आप जाके फिर से चेक कर सकते हैं क्या फैसिलिटी है ठीक है, थैंक यू।